धन्यवाद। न्यूज 36 के जम्मू दिखैया मल्ला सुनील टाइगर के जय जोहार और दिन भर के जबर खबर के संग मैं सुनील टाइगर प्रस्तुत हूं आप मन के बीच। और आज हमन बात करबो आज दिन भर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला में का गतिविधि हुई, का समाचार रहे इस दिन भर के, का घटना हो है या कैसे रही इस स्थिति, एक बारे में बात करबो। सबले पहली हमन चलथन बसंत साव जी मेर और बसंत साव जी से जानथन के महासमुंद के का स्थिति आज की रही। बसंत साव जी जय जोहार। जय जोहार सर। आज महासमुंद बसंत साव जी आज जी बसंत साव जी आज महासमुंद के का स्थिति रही, का समाचार है विशेष, एक बारे में बताओ। सर महासमुंद में कोरोना चल रहे तो बहुत शांति माहौल है। एक मरीज जो है कटघोरा से महासमुंद जिला में जो आए रही वो पॉजिटिव है, बोला रायपुर रेफर कर देगी। महासमुंद में एक कलंक मान के चलो कि यहाँ बिल्कुल भी कोई मरीज नहीं रही, कोई पेशेंट नहीं रही कोरोना के। सब जगह से आ रही वो मरीज ला होम क्वारंटीन करवा के आइसोलेट करवा दी गई रायपुर। वही सर अच्छा, आज हमारे तो ये जो साहु जी ये जो मरीज आज मिले हैं जैसे आप मन बता था, तो ये मरीज आज मिले हैं कि कौन सा क्षेत्र ले मिले? ये कटघोरा से आके महासमुंद आ रही है। महासमुंद से पटेवा के पास में एक तो गांव है पटेवा करके, तो पटेवा में वो रुके, तो वहां से जैसे जानकारी मिली कि वो कटघोरा से आए है, प्रशासन दुष्ट हुई और प्रशासन जाके बोला होम क्वारंटीन में लिस्ट जांच करवाई, तो वहां पे वाला लगे इसकी पॉजिटिव हो सका थे करके ओला रायपुर रिफर कर देगी थे। अच्छा मतलब अभी तक ओला पॉजिटिव हो के पुष्टि नहीं हो है, संदिग्ध माने जाते पॉजिटिव हो के अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो है, वो अनुमान लगाया जाता है कि कटघोरा से आए है तो कहीं संक्रमित हो सकते करके अनुमान लगाया जाता है। चलो तो फिर भगवान से विनती है कि ओला बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव ना रहे, और जैसे अभी तक चला था है वह महासमुंद में एक भी मरीज अभी तक नहीं मिले है, महासमुंद है लगभग सेफ जोन में है, तो सेफ जोन में ही रहे। आओ का खबर रही आज। वहीं दूसरा मुद्दा में सर हमारे क्षेत्र में जो धान खरीदी केंद्र मन है वहां से उठाव चालू हो गए, परिवहन चालू हो गए, लेकिन हर सोसाइटी में शॉर्टेज नजर आ रही है। शॉर्टेज नजर देखते कारण से न्यूज 36 के आवेदन से कलेक्टर महोदय जो है कर्मचारी शासकीय विभाग के नियुक्त रहे चार अधिकारी मल्ला और वो जांच के आदेश भी थे, एकम निर्णय या जांच की कार्रवाई है सोमवार मंगलवार को अधिकारी मन आके साइड में करी और हमला बताई कि वास्तव में वहां शॉर्टेज है या वहां कोई गड़बड़ी हुई है उकर पूरा डेटा रिपोर्ट। अच्छा तो मतलब धान के उठाव जो है चालू हो चुके है वह, और मतलब शासन प्रशासन है ये चीज में ध्यान देवा थे कि अब कोई प्रकार के समस्या इमन ना आए और जो किसान मन के धान खरीदी करेगा इस पर उठाव जारी। उठाव जारी है सर, लेकिन वहां से शिकायत ये आ रही है कि वो जो सोसाइटी समिति के कर्मचारी मन है वो गांव-गांव जाकर धान खरीदे की व्यवस्था करते हैं। अच्छा धान खरीदे की व्यवस्था करे से शंका हो थे कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और जो आंकड़ा उन्होंने दे है धान खरीदी की उसका मामला में खरीदी नहीं हुई, तो शासन प्रशासन तक का एक शिकायत गए है और शासन प्रशासन एक ऊपर का मतलब कार्यवाही कर रहे थे। जो है कलेक्टर साहब जो है वहां चार अधिकारी मन के एक टीम गठित करे है और वो मतलब बोले गए कि निर्णय लेके वहां जांच करके निर्णय कॉपी मतलब पेश करके निर्णय कॉपी जी। ठीक है बसंत साहू जी, तमाम जानकारी आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधा चलबो जांजगीर चांपा जी हाले, राधा कृष्ण गोपाल जी हमारे संग जुड़े हुए है। राधा कृष्ण गोपाल जी जय जोहार। जय जोहार सर। जय जोहार राधा कृष्ण गोपाल जी, आज जांजगीर चांपा के का स्थिति रही, दिन भर के का खबर है, का हो जांजगीर चांपा में, एक बारे में हमारे दर्शक मन ला समाचार देवा। जी सर, जांजगीर चांपा में रायपुर और भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र से जो कल रात में ही
कुछ काम किए मजदूर मन कल रात के जांजगीर चांपा पहुंच गए, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जांजगीर तक ये मन कैसे हबरीस, ये है बड़े सवाल बना थे। जबकि वहां ले जांजगीर तक पहुंचे में कम से कम उन्होंने चार बॉर्डर पार करे पड़ी, एक बाद ही मजदूर मन जांजगीर तक पहुंचे। ये मन के जानकारी मिलते ही शासन प्रशासन है ये मल्ला जांजगीर जांजगीर और बिलासपुर के जो बॉर्डर है वहां एक छात्रावास में ही रोक ली और वहां उनके मतलब रहे और खाए की व्यवस्था करेगी। और यमन से जब मतलब बात पता चली कि जो मजदूर वहां से आए हुए हैं रायपुर बिलाई से, ये मतलब उड़ीसा जाना है। अच्छा जी। तो ओ मतलब उड़ीसा जाए पर है वह मन अभी जांजगीर चांपा पहुंचे है वह, तो शासन प्रशासन का कुछ व्यवस्था करे थे ओमन के उड़ीसा जाए पर या ओमन ला रखे नहीं कोई इंतजाम करे गए है? जी जी जी, जो छात्रावास है वही ओमन के रहे खाए पूरा व्यवस्था ओमन के कर दिए गए है और जी एक समय अवधि बिताए के बाद ही मतलब वापिस वहाँ उड़ीसा भेजी। अच्छा राधा कृष्ण गोपाल जी, एकर अलावा आओ का दिन भर के खबर है? एक अलावा एक और खबर है सर जी, यहाँ अभी मैं कुछ देर पहले आप मन से जुड़े पहले एक अभी घर है बलौदा क्षेत्र तरफ, तो वहाँ पता चली इस मुला की कुछ डॉक्टर मन जो कि नर्सिंग होम के तहत रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो मन अपन क्लिनिक खोल के बैठे है और उमन अपन इलाज भी जारी रखे हुए है। जब मैं कर से एकलिए बीएमओ से बात करे तो उनका कहना है कि कुछ डॉक्टर मल्ला नोटिस जारी किए गए है लेकिन कार्रवाई के नाम में अभी भी शून्य स्थिति है। जी सर। राधा कृष्ण गोपाल जी, आप मतलब मैं बताना चाहिए कि अभी वर्तमान में सरकार है वैसे भी सब क्लिनिक मतलब आदेश दिया है कि इलाज अगर कोई भी पेशेंट आते तो ओकर इलाज वहां नहीं करके वाला सीधा जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल में भेजना है, ओकर बाद ही आगे ओकर इलाज जारी करे जाई करके, तो ऐसे स्थिति में इलाज जारी है तो डीएमओ के का कहना रहे? डीएमओ के वही कहना रहे कि वो संबंधित जो भी क्लिनिक संचालक है वो मतलब नोटिस हमने जारी कर दिए हैं और मतलब ये भी बोलेगा इस मन के द्वारा कि लॉकडाउन के पहली वो क्लिनिक मन बंद रही से कुछ दिन पहले, लेकिन लॉकडाउन के चार पांच दिन बीतने के बाद में ही उन क्लिनिक वापस संचालित कर चालू कर दे रही से। अभी मैं जब संज्ञान में दे तो फिर बोले इसकी नोटिस मतलब देवो फिर से वापिस या फिर जाके वहाँ बंदी के कार्यक्रम सील लगाए कार्यक्रम का काम करवो। जी सर ठीक है। राधा कृष्ण गोपाल जी, आप मन जांजगीर चांपा के तमाम जो जानकारी दिया ऊपर बापन से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको हम जुड़ो धमतरी में चंद्र प्रकाश सिन्हा जी ले ऊपर से जानबो के धमतरी के दिन भर के का हाल रही। चंद्र प्रकाश सिन्हा जी जय जोहार। जय जोहार सुनील जी, आप मतलब बता दो धमतरी जिला के लिए एक राहत भरी खबर है कि धमतरी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समाज सेवी और जम्मू जो जनप्रतिनिधि है प्रयास और सहयोग से धमतरी जिला जो है अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए और जेकर कहीं ना कहीं धमतरी जिला लेकर लाभ मिला थे। धमतरी जिला के लिए एक जो है हमारे धमतरी जिला के वनांचल क्षेत्र नगर विकास खंड में आज अभी लगातार एक सप्ताह से चितवा बाघ की जो है वो दहशत फैले हुए है, जेकर से वनांचल क्षेत्र नगरी में लोगन मन काफी दहशत है और वन विभाग के द्वारा प्रयास करे जाते हैं लेकिन वन विभाग के द्वारा भी एक सप्ताह के बाद भी किसी प्रकार से कोई उनमें सफलता भी हाथ नहीं लगे है, जेकर से वनांचल क्षेत्र नगरी विकास खंड में चितवा बाघ से काफी लोगन मन दहशत में अपन घर में है। दूसरा जो बात अभी हमारे धमतरी जिला में जहाँ धमतरी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कोरोना वायरस के रोकथाम और जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च भी निकाले गए हैं और जो स्थिति अभी धमतरी जिला में निचले स्तर पे बहुत एक अच्छा प्रयास करे जाते सुनील जी की जहाँ जिला प्रशासन के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर में मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता के माध्यम से जो अंतिम छोर के व्यक्ति वहां तक जागरूकता ला के प्रयास करे जाते हैं, जेकर परिणाम है कि हर ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं लोगन मन आज जागरूक हो चुके हैं और बाहरी व्यक्ति के प्रवेश निषेध कर दिए गए हैं, जेकर परिणाम है कि आज जो है धमतरी जिला जो है कोरोना वायरस के जो संक्रमण से पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। और हमारे धमतरी जिला के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि अब धमतरी जिला प्रशासन जो है कहीं ना कहीं मजदूर मन जो है लॉकडाउन में रोजगार गारंटी के मांग कर रहे हैं, अब ये रोजगार गारंटी के काम ला जो है धमतरी जिला में बहुत ही चारू रूप से संचालित करे के
जिला प्रशासन के द्वारा भी पहल करे जाते थे और ग्राम पंचायत स्तर पे भी रोजगार गारंटी काम जो है सुचारू रूप से संचालित करे जाते हैं। अभी किसान भाई मन से जो बात आवत है कि जिन प्रकार ले केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारा जो अभी कोरोना वायरस के जो संक्रमण जो बढ़े हैं उनमें बहुत सारा पैकेज दे गए हैं, तो हमारे किसान भाई मन राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो समर्थन मूल्य की जो राशि है, जो अंतर की राशि है, ये अगर ये वक्त में अगर छत्तीसगढ़ सरकार अगर किसान मन दे तो बहुत बेहतर होती है। एक जो मांग जो है अब धमतरी जिला के अनेक विकास खंड से ये बात सामने आवा थे कि छत्तीसगढ़ सरकार कहीं ना कहीं जो है समर्थन मूल्य के जो अंतर की राशि है वो राशि ला भी वितरण करें। जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश सिन्हा जी, मांग बहुत जायज है, लेकिन हमन बीच में ये भी आप मन से जानना चाहो कि सरकार है जनधन खाता में भी सहयोग के रूप में लोगन ला कुछ राशि दिए है, उकर अलावा कृषक मित्र योजना के तहत भी किसान जो छोटे किसान है उन ला कुछ राशि दिए गए है, ये राशि विशेष करके लॉकडाउन के समय में जारी करे गए है ताकि लॉकडाउन के समय जो लोगन मन है उकर सही इस्तेमाल कर सके। उकर संगे संग सरकार है 2 महीना के राशन सब जन ला मुफ्त में दिए हुए गरीब परिवार मन ला, और जो सामान्य वर्ग के परिवार है वह मन ला राशन के उपलब्धता सुनिश्चित करे है, तो का ऐसी स्थिति में अभी मांग करना जायज है किसान मन के? जी ये बात तो जायज है सुनील जी, जिन प्रकार ले अभी जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो जनधन खाताओं में 500 रुपया जो खाता डाले गए हैं, अभी जो गैस है जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना जो हितग्राही है वो मल्ला 824 रुपये पर खाता में ट्रांसफर कर दे गए है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आवत है कि जैसे न खाता में पैसा है तो हितग्राही मन अब दौड़ के डायरेक्ट बैंक में जावा थे और बैंक में वहाँ भीड़ लगा थे, तो भीड़ लगे कि स्थिति में जो है जिला प्रशासन एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पड़े थे। दूसरा जो बात है खाद्य सामग्री जी, तो जी यदि सरकार है ये पैसा भी अगर डाला थे जो अंतर राशि है वो डाला थे तो कहा बैंक में तब भी भीड़ की स्थिति निर्मित नहीं होती, तब भी शासन प्रशासन लगा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आवश्यकता नहीं पड़ी? कहीं न कहीं ये जो जिला स्तर पे बैंक सखी है कियोस्क बैंक के सुविधा सरकार के द्वारा तो संचालित करे गए है, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में लोगन जो है एक दूसरे ला बरगला प्रयास कर रहे थे कि अगर आप पैसा कभी अर्न नहीं करो तो आपके पैसा जो है पूरा वापस चले जाए, इस टाइप के जो है एक अफवाह फैला दे जेकर से लोगन मन में एक भ्रांति हो गई अगर हम पैसा करो तुरंत अभी आहरण नहीं करबो तो हमारे पैसा वापस चले जाइए, जेकर वजह से जो है बैंक मन में भीड़ काफी लंबा। सिन्हा जी जैसे कि आप मन कहत रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान मन है वो मन मांग कर रहे थे सरकार से कि जो अंतर राशि धान बिक्री के ओवन के हवे बोला सरकार अगर दे दे तो ज्यादा अच्छा होती, तो कौन प्रकार से ओवन सोच के ये मांग रखे है सरकार? किसान के ये कहना है सुनील जी कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अंतर की राशि तो वितरण करना चाहिए, लेकिन अगर विपदा के समय जो एक बहुत बड़े हमारे प्रदेश में एक महामारी के रूप में आ चुके हैं कोरोना जो वायरस है, अगर ऐसे विपदा के समय अगर किसान मतलब अगर छत्तीसगढ़ सरकार ये अंतर की राशि दे तो सोने पे सुहागा हो जाती है, खबर केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत बड़े अभी राहत पैकेज दे जाते तो छत्तीसगढ़ के जो जनता मन भी एक मांग कर रहे थे कि इन समय में धान के अंतर राशि छत्तीसगढ़ सरकार ला वितरण करना चाहिए, लेकिन अगर ये ऐसा व्यक्त में दी तो ज्यादा बेटर रहती है। जी चंद्र प्रकाश सिन्हा जी जैसे आपन बीच में बताओ कि कई जगह ऐसे अफवाह भी उड़ाते हुए कि यदि आपन अभी राशि के आहरण नहीं करेगा तो ये राशि है फिर से वापस हो जाएगी, तो हम चैनल के माध्यम से समस्त छत्तीसगढ़ भक्ति मल्ला हमारे दर्शक मल्ला बताना चाहो कि ये अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कोई भी जगह भीड़ बिल्कुल नहीं लगाना है, चाहे वो बैंक रहे चाहे वो अनाज गोदाम रहे चाहे सोसाइटी रहे, बिल्कुल भीड़ नहीं लगाना है, ऐसे कोई बात नहीं है कि यदि आप मन कोई भी प्रकार के राशि अगर सरकार की तरफ से आए हो आहरण नहीं करा था तो वापिस हो जाएगी, ऐसे कोई बात नहीं है, आप
होकर इस्तेमाल कोई भी समय कभी भी कर सकत हो, आराम से जाके निकाल सकत हो जब अपना आवश्यकता है। तो ये जागरूकता की बिल्कुल जरूरत है। सिन्हा जी आप मन से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आपके क्षेत्र में जो किसान भाई मन है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगन मन है, ओमल्ला आप भी जागरूक करे का प्रयास करो ताकि लोगन अनावश्यक भीड़ जगह जगह ना लगाए। जी जी, कहीं ना कहीं धमतरी जिला प्रशासन की बहुत ही अच्छा सहारणी पहल है। पूरा जिला वासी मन धमतरी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तारीफ करते थे। और अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जिन जो हितग्राही है, जो राशन जे मतलब अभी नहीं मिल पाए, जेकर राशन कार्ड नहीं बन पाए, उकर मन ले आज एक नया अभी आदेश आए कि उकर अति शीघ्र जो है राशन बनाना है ताकि मतलब निःशुल्क राशन की वितरण अभी पूरा करी जा सके। तो छत्तीसगढ़ सरकार की भी एक सहारणी पहल जारी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार है सबके संग में है, सब लोग धैर्य बना के चल रहे हैं। चंद्रका सिन्हा जी, तमाम जानकारी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम चलते हैं जानकी चंपा की अकलतरा। जी हाँ, ले रुकेश कंवर जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, उकर से जानबो की अकलतरा क्षेत्र के का हाल चाल है। रुकेश कंवर जी, जय जोहर। जय जोहर भैया। हाँ, जानकी चंपा जी, अकलतरा क्षेत्र के का आज के दिन भर के खबर रही? अकलतरा क्षेत्र की बात करें भैया जी, तो यहाँ जैसे की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तो सरकार हितग्राही मन के खाते में जो पैसा डाले हवा वह एक प्रकार से बहुत बड़े धांधली हो जाते हैं। जैसे बात करें कई तक किसको शाखा हवा, जी हाँ, गांव के छोटे छोटे गरीब लोगन मन जाते पैसे निकाले बर तो अंगूठा के माध्यम से पैसा निकाले जाते हैं, लेकिन वो पैसा ऊपर तक नहीं पाते। अच्छा। और जब उन किसको शाखा खोले हवा वन अपन खाता में ट्रांसफर कर ले जाते, एक प्रकार के शिकायत आए यहाँ अकलतरा क्षेत्र में। एक खातिर बार हमन अकलतरा जो विधायक हवा श्री सौरव सिंह, उन कल जाके बात करे हमन की अमुक प्रकार के अपन के गांव अपन क्षेत्र में शिकायत आते कर लिए अपन का करते हैं। एक तहसीलदार महोदय जी मतलब आदेश दे चुके हैं कि जो विरुद्ध कार्यवाही है उनके प्रति कार्यवाही करे जा सके। एक छोड़ के और बात करी। अच्छा, रुपेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मामला आप मन बतावा था कि ग्रामीण क्षेत्र में कियोस्क शाखा में खासकर ग्रामीण मन के खाता ले पैसा निकाल ले जाते, तो ग्रामीण मन यदि कियोस्क शाखा में जाते पैसा निकलवाए के नाम से जाते, यदि वो मन अंगूठा लगाते तो पैसा निकलवाए के नाम से ही लगाते, तो का वो मन कोई भी राशि नहीं दे जाते, पूरा राशि के गबन कर ले जाते? लेकिन जेमन कर एटीएम नहीं है, केवल अंगूठा के माध्यम से पैसा निकालते वो आदमी वाला पैसा नहीं दे जाते, उनका पैसा आहरण करके वो स्वयं पैसा रख लेते। तो एमा सबसे बड़े समस्या मुला ये लगा थे रुपेश जी, आप मन वहाँ हाँ तो वहाँ के प्रशासन से ये बारे में आप स्वयं बात भी करो कि यदि कोई व्यक्ति अंगूठा लगाते कियोस्क शाखा में जा करके, तो कियोस्क शाखा संचालक जो है का वो मतलब कोई प्रकार के राशि नहीं देते, या का चीज पर वो अंगूठा लगाते, यदि वो अंगूठा लगाए पर कहते तो कुछ कारण से ही कहते, आहरण के लिए अगर अंगूठा लगाते तो आहरण के राशि तो देना चाहिए। किसको शाखा वाला बोला था कि आपका अंगूठा लगाओ जो एक प्रकार का स्वेप कथन, उस स्वेप लगाते वो बोला था कि फिर अभी सर्व डाउन हो चुके या लेट नहीं है, एक प्रकार के बहाना मारा थे। और एक खातिर आपको जैसे पहली पहली बता चुका है कि स्थानीय जो विधायक हवे सौरव सिंह, उनका कर बारे में चर्चा भी कर रहे हवन हमन, तो वो बताई कि अगर पहली और आस पास से गांव में शिकायत आ चुके हैं कि जिसे हम बात करें बलौदा बैंक, तो वहां भी करीबन 21,000 के आस पास पैसा आहरण हो चुके हैं। तो ऐसे कोई लोगन से आप मन के बातचीत हो है जेकर पैसा वाकई में गबन हो है, ओकर खाता से कटे हुए दिखाते पैसा ला, जबकि ओकर हाथ में पैसा नहीं मिले है? हाँ, सुनील भाई, एक पहले हम कटघरी गांव के रहे कल, तो वहाँ दो महिला है जिन पुरुष हवा वो मन बताई हवा की एक पुरुष के 830 रुपए पैसे निकले है, एक महिला है ओकर 530 रुपए पैसे निकले, मतलब टोटल वहाँ 9 आदमी है जो पैसा जी। रुपेश जी, बिल्कुल शासन प्रशासन से आप मन सवाल करत रहो, शासन प्रशासन में ये सूचना पहुंचाओ और एला फॉलो अप भी करत रहो कि एमा का कार्यवाही शासन प्रशासन करत है, एकर अलावा और का खबर रही से एकर बारे में बताओ। एक शासन में तो स्पष्ट बोल दे हवा कि अगर हम अरे क्या
शिकायत आवत है तो हम उचित कार्रवाई करबो ऐसे बोले है और तहसीलदार महोदय मन कर बात करें तो तहसीलदार इस बात शिकायत आ रही है एक बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोल सको एक बड़े खबर की बात करी तो अभी पूरा भारत में लॉकडाउन चलत हवे और जहाँ तक देखिए तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा भारत में शराबबंदी पूरा पूर्ण रूप से बंद हवे उकर बाद भी ये अकलतरा क्षेत्र में कई अच्छी जगह हवे जी हाँ बड़े मात्रा में बहुत ज्यादा ले ज्यादा महुआ शराब है तुम्हार देसी शराब है प्लेन शराब बिकल जात जी तो शासन प्रशासन का कार्यवाही कर रहे थे का ओकर तक अभी तक का सूचना नहीं पहुंचे है जैसे बात करिए अकलतरा से करीबन 11 किलोमीटर दूर परड़िया गांव है वहां 24 लीटर कच्चा महुआ शराब जब्त करे हवे एक यहाँ स्थानीय है जो दारू बिक्री करा था वह प्रॉपर जानकी चांपा के लिए वो महासमुंद रहने वाला है और महासमुंद ले आके यहाँ हम शराब बिक्री करते हैं तो एकर बारे में मैंने जो शासन प्रशासन है वह चाक चौबंद व्यवस्था करे हो कर बावजूद भी ये जो असामाजिक तत्व है मन का हौसला बुलंद है और इवन गलत तरीका से क्षेत्र में आकर के और गलत धंधा अपन चलावत है लेकिन जरूरत है वो हमारे क्षेत्र के लोगन मन ही वो मन ला जागरूक हो के ताकि वो मन ये गलत कार्य में कोई के साथ ना दे दूसरा चीज ये तरीका से शराब के सेवन करना भी है लेना भी है बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक होते हैं जब पूरा सरकार हर तरफ शराबबंदी करे हुए है ये समय लॉकडाउन की स्थिति में सब चीज बंद है तो मुला लगता है कि लोकल ना भी ये चीज मां सरकार के सहयोग करना चाहिए कि बिल्कुल ये जो गलत तत्व है ये मंदा नकार देना चाहिए आप मन के तमाम जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश एक बाद हम सीधा चलते हैं बिलासपुर जिला ले प्रकाश कुमार जी हमारे संग जुड़े हुए हैं प्रकाश आप मन ने जानना चाहबो कि आज दिन भर बिलासपुर के का खबर रही बिलासपुर में का हुई आज दिन सुनील मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि अभी तो सबले ज्यादा जो हर जिला में जो चर्चा है वो कोरोना ले लेके हवे कोरोना ही मुख्य रूप से समाचार में रही थे तो अभी के अगर बात करे जाए बिलासपुर में तो चूंकि 21 तारीख को समीक्षा होने वाला है और एक बाद कुछ कुछ छिटपुट छेदी बिलासपुर ला ऑरेंज जोन में रखे गए तो एक मद्देनजर अभी जो देखे में मिला थे कि पुलिस अब बहुत ज्यादा सख्ती शुरू कर दिए है 21 तारीख तक पर और ऐसे भी एक खबर आ रही से बिलासपुर जिला के अंतर्गत तरगंडा थाना क्षेत्र ले कि जी हाँ कटघोरा ले कुछ व्यक्ति मन आए रही से 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में तो ओला देखते हुए तरगंडा क्षेत्र में बहुत ज्यादा कड़ाई देखे पर मिला थे पुलिस लगातार घूमा थे ये यू देखे जाते हैं कि बीच बीच में ड्रोन के माध्यम से पुलिस मदद लेवा थे और जहां भी ऐसे कुछ नजर आवा थे कि जहां लोगन फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं करते वहां तुरते पहुंच के उखर उखर कार्रवाई करे जाते तो ये तो रही थे कि कोरोना लेने के बाद इखर अलावा अगर बात करे जाए तो बिलासपुर जिला के अंतर्गत ही सरगंडा थाना क्षेत्र में ही एक जो खबर आया है वो देह व्यापार के आया है जहां देह व्यापार के काम चलत रही से जो आसपास के लोगन है उमन पुलिस ला सूचना दी से एक बाद पुलिस तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी आरोपी रही से उमन लग गिरफ्तार कर लिए हैं जी, जी प्रकाश बहुत बढ़िया जानकारी आपन दिए हो प्रकाश आपन से ये जानना चाहो कि जैसे आपन बताया कि कुछ लोगन कटघोरा से बिलासपुर आए रहे और जे क्षेत्र मन मन आए रहे वो क्षेत्र पूरा तरह से बंद करके और चप्पा चप्पा में नजर दौड़ावा थे तो हम ये जानना चाहते कि का वहाँ कोई दवाई के छिड़काव भी हुआ थे और कौन व्यक्ति मन कौन लोगन के यहाँ आई था ओवन के भी पहचान हो चुके हैं मतलब क्वारंटाइन करे गए हैं जी सुनील मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो पूरा तरह से नजर बनाए हुए है जिला प्रशासन तक काफी मुस्तैद नजर आवत है लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अभी तक ये देखने में मिला थे कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कोरोना संदिग्ध हो सकते है या कोरोना पॉजिटिव हो सकते है उखर पहचान मतलब की उजागर नहीं करे जाते बस ये कहे जाते कि ये क्षेत्र में जो कोरोना पॉजिटिव है वो मरीज हो सकते संदेही हो सकते ताकि जो लोगन है वो वहां से सतर्क रहे
रही बात और जो का कुछ उपाय करे जाते, तो आप मतलब बताना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जिन भी ऐसे संदेही है, चाहे वो विदेश से कोनो आए रहे या कोई ऐसे क्षेत्र से आए रहे जिहा कोरोना पॉजिटिव मिले है, तबलीगी जमात के लोगन जिहा रही से वहां ले अगर मान लो कोनो आए है, तो वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन खुद घर घर जाके जानकारी लेवत है कि का उमल्ला कोनो प्रकार के कोई परेशानी है, आसपास के जतना भी लोगन है कम से कम 50 घर उमन के पूरा जानकारी ले जावत है कि का उमल्ला कोनो प्रकार के तकलीफ है, और जैसे ही ये बात आवत है कि उमल्ला कोनो प्रकार के दिक्कत है तो उमल्ला उपचार पर भेजे जाते है। प्रकाश बिलासपुर ले अभी कुछ दिन पहले एक खबर आओ आ रही से सरकार है एक नियम बना है कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉकडाउन के समय लोगों की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे सामग्री के रूप में हो, चाहे पैसा के ही दान क्यों ना हो, लेकिन बोला स्वयं से जाकर के नहीं देना है, बोला शासन प्रशासन ला सौंपना है और प्रशासन हाँ पुलिस के मदद से बोला आवंटन कर पाए। लेकिन बिलासपुर में अभी कुछ दिन पहले एक खबर आ रही है कि एक मोहल्ला में जब पुलिस पहुंची था, एक व्यक्ति अधेड़ व्यक्ति है वो मन के नजदीक पहुंची सी है आशा लेकर के कि शायद वो मन भोजन बांटी, लेकिन वो मन बोला मारपीट करत हुए ये बोले गए कि आप मन बाहर घर से का बने, ये स्थिति अभी भी बिलासपुर में बने हुए हैं। बिलासपुर से एक तरफ खबर ये भी आते कि बिलासपुर पुलिस गांधीगिरी के साथ लॉकडाउन के पालन करवाते, लोगन लग फूल देवाते, लोगन के आरती उतारते, एक तरफ ये खबर आते कि लोगन डंडा भी मारते, तो कौन प्रकार से आखिर वहां लॉकडाउन के पालन करवाए जाते। जी सुनील, आप मतलब बताना चाहता हूँ कि अभी जो पुलिस प्रशासन है खासकर इतना ज्यादा मुस्तैद हवे कि कहीं ना कहीं एक समय के बाद उखरो मन में फ्रस्ट्रेशन नजर आते है, यही कारण है कि कभी कभी वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर नजर आ जाते है, वो कैमरा में कैद हो जाते। जैसे कि आपन बात बताया हो कि डायरेक्ट कोई भी जो सामाजिक संस्था है वो लोगों तक नहीं जा सके, खबर की ऐसे जो देखे मैं ऐसे जिला प्रशासन के द्वारा कि कई बार फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं हो पाते, जिला देखते हुए प्रशासन है ये निर्णय लिए थे कि कोई भी अगर जो सामाजिक संस्था है वो अगर मदद करना चाहते तो पहली आपन हमर तक आवा और हमन फिजिकल डिस्टेंसिंग के पालन करत हुए वो जो जिम्मेदार जो भी जो लोगन है उखर तक जो सुविधा है खुला पहुंचाबो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यू है कि जो प्रशासन है वो खुद इतना ज्यादा व्यस्त है कि हर काम उखर द्वारा हो पाना संभव नहीं है, यही कारण है कि जी यही कारण है कि कुछ जो सामाजिक संस्था है उमन जाके उखर का ना गुहार लगाई थे कि बहुत जन ऐसे भी है जिन मन सुविधा नहीं मिल पाते, तो प्रशासन है मैं थोड़ा सा ढिलाई दिए है उखर द्वारा, बस ये कहे गए कि आप मन आओ और जो प्रशासन है वो उमन एक पास जारी करत है, पास जब जारी हो जाते तब वो जो सामाजिक संस्था है वो जाके जितना भी गाइडलाइन है ओला पालन करत हुए कुकरो भी मदद कर सकते है। जी प्रकाश, आपन के बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम जानकारी पर। अब हमन सीधा चलथन सीपत जी हाले, हिमांशु गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उकर से जानथन सीपत के हाल। हिमांशु जी जय जोहार। जय जोहार सुनील जी, का हाल चाल है आज, का खबर रही इस दिन भर के हिमांशु जी सीपत क्षेत्र? जी सीपत में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह मतलब मुस्तैद है, और अभी सुबह मोर लंग बात हुई तहसीलदार मैडम के, तो बताइस के अभी डेली मतलब रोज हर गांव जाके जो बाहर से आने जाने वाला जानकारी एकत्रित करे जाते, और अभी तक आज तक लगभग 28-29 गांव के सीपत तहसील के अंतर्गत 28-29 गांव के 350 आदमी मतलब होम क्वारंटाइन में रखे गए, और साथ ही साथ कई जन के होम क्वारंटाइन भी अभी तक पूरा हो चुके हैं। यदि हम अभी बात करबो सीपत एनटीपीसी के, तो जिन हिसाब से सीपत एनटीपीसी है विकास के यहाँ ढोल पीटत है, श्रमिक मन के हमन मदद करत हन या फिर आसपास के जो प्रभावित गांव है वहां हमन सैनिटाइज के छिड़काव करवाथन, तो जिन हिसाब से मतलब विकास के जो गीत गाते उतना नहीं हो पाते, बहुत कम गांव में ही एकर उपयोग होते। और यदि हम बात करबो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो जी स्वास्थ्य अभी गांव-गांव में डॉक्टर मन नहीं है, सब एती होती है, और मतलब मरीज मन ला बहुत ज्यादा परेशानी के सामना करना पड़ा थे। सीपत में आज ही
चार पांच मरीज आ रही से समय मतलब डॉक्टर नहीं मिली से जिकल मतलब दर दर भटकना पड़ी से। तो हिमांशु जी ये समय लॉकडाउन की स्थिति में सरकार खुद कह रहे थे कि यदि आप मतलब कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है तो आप मतलब अस्पताल तक आए की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप मतलब ज्यादा परेशानी है तो आप सीधा सरकारी अस्पताल होगा। तो सीपत में यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो वो मन आओ कहीं से इलाज की व्यवस्था करे जाते जी। आसपास गली मोहल्ला में यदि कोई डॉक्टर है तो उमन लगो मन जाके अपन अभी तक इलाज करवाते या फिर प्राथमिक उपचार के द्वारा ठीक हो के मतलब कामना करते हैं मन भगवान से। लेकिन कई ठो ऐसे भी बीमारी होते भी है जैसे छोटे डॉक्टर मन नहीं जान पाए तो अगर बार यदि हॉस्पिटल जाते हैं मन तो बहुत मतलब परेशानी के सामना करना पड़ता है उमन लगो। नहीं तो हिमांशु जी एक हम अपन ला बताना चाहो कि यदि कोई ज्यादा परेशानी है तो बिल्कुल बिलासपुर के बड़े अस्पताल में चाहे वो सीएम्स हो चाहे वो जिला अस्पताल हो वहाँ जाके इलाज के लाभ ले सकते। ऐसे नहीं है कि व्यक्ति का कोई ज्यादा कष्ट है और वो बिल्कुल घर में बैठ रहा है, ये बात नहीं है। सरकार के कहना बस इतना है, प्रशासन के कहना बस इतना है कि यदि आप मन ज्यादा परेशान नहीं हो, यदि आप संभल सकत हो तो आप जबरदस्ती भीड़ बढ़ाए पर बाहर मत निकलो, लेकिन यदि आप लोग परेशानी है तो बिल्कुल जाओ। हिमांशु जी तमाम जानकारी बाप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम चलत हैं सीधा मस्तूरी जी, हाँ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत जी हमारे में जुड़े हुए हैं, ऊपर से जानबू मस्तूरी क्षेत्र के हाल। सूर्यकांत जी जय जोहार। जय जोहार। सूर्य प्रकाश जी मस्तूरी क्षेत्र के का हाल रही आज दिन भर का कुछ देखे ला मिले सुहा मस्तूरी क्षेत्र में? तो ऐसे देखा जाए तो पुख्ता इंतजाम करे गए है पुलिस विभाग के लिए, मतलब बढ़ते जाते गए। और फिर ऐसे कुछ देखा जाए तो लोगन जब ले लॉकडाउन की घोषणा करे गए तब ले मस्तूरी क्षेत्र में लोगन मन काफी परेशान हुए और उमन लग कनो कई प्रकार के दिक्कत के सामना करे ला पड़ा था। जैसे कि बोले कि 2 महीना के चौर दे के जो वादा करे फ्री में ओकर कई जगह में लाभ नहीं मिल पावा था लोगन मन ला। कहीं ना कहीं जो संचालक हुआ उकर लापरवाही ले ऐसे लोगन मतलब परेशानी उठा बर पड़ते है। और कई जगह ऐसे हुआ जी हाँ लोग जो लड़का हुआ है वो मतलब मध्यान्ह भोजन के चावल घलोक नहीं दिए गए रहीसे। और अभी के समय में जो उकर पर खाना पीना की व्यवस्था ही हर अहम हो गई है और लोगन मन काम घलोक नहीं जा पावा थे और एक और अपन व्यवस्था भी नहीं कर पावा थे खाना पीना के। और सरकार के दिले और कई संगठन के दिले और हमेशा लोगन के सहायता पर कदम बढ़ाया जावा थे कर बावजूद ऐसे लापरवाही देखे और मिला थे और शासन के दिले कोनो भी प्रकार के कार्यवाही नहीं करे जावा थे। सूर्य प्रकाश जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमन देखा था कि अभी लॉकडाउन चला थे कोरोना संक्रमण है ओकर अलावा का मस्तूरी में आओ कोई खबर आज दिन भर के रही? और कोरोना वायरस के ही ज्यादा देखे वाली हम लग रहा है और एकर ले अलावा जो समस्या हुआ उखर वो ही विशेष मुद्दा रही गई है अभी के समय में। अभी मन अभी के कोरोना वायरस जब ले आए हुए तब ले लोग मन आवागमन कमी हो गए है और अदर तो जो खबर है वो खबर मन पूरा रुक चुके है क्या हुआ इसना खबर नहीं आवा थे जिसना पहली जोन रही से अंतर जोन चला था। लेकिन समस्या ही ऊपर विशेष मुद्दा रही है अभी के समय में चाहे लॉकडाउन जब ले हुए तब ले लोगों मतलब काफी समस्या का सामना करे पड़ता है। सूर्य प्रकाश जी स्वास्थ्य लेके काफी लोगों मन काफी ठीक है। सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के तमाम जानकारी भर। आगे अब हम चलथन सीधा भाटापारा जी, हाँ कोमल शर्मा जी हमारे संग में जुड़े हुए हैं। कोमल शर्मा जी आप उनसे जानना चाहो आज दिन भर के भाटापारा के का हाल है? जी सर बता दूं कि भाटापारा में लॉकडाउन के पूरा असर रही से जगह जगह चौक चौराहों में बिल्कुल चाक चौबंद लगाई गई से पुलिस की तरफ से। अगर आज के त्वरित के खबर के अगर बात करें कि सबसे पहले मैं सुबह भाटापारा में देवरी जो गाँव है वहाँ कोविड 19 राहत शिविर लगाए गए हैं जेमा की जो मजदूर भाटापारा से होके गुजरा थे जो बाहर जाए पर रही थे तेखर मन पर व्यवस्था करके यहाँ वो मतलब रोके जाते जेखर तक और खाना पीना की व्यवस्था करे जा सके और जब तक लॉकडाउन है तब तक भाटापारा में रोक के ऊपर मन की व्यवस्था करे जाते। तो वहाँ आज दौरा करे के बाद जब वो मजदूर मन का नाम मिले तो पता चले कि पिछले जब प्रथम
चरण में लॉकडाउन हो रही से जेमा 27 तारीख के ये मजदूर मन मुंबई में अपन दिहाड़ी मजदूरी के काम करत रही से जो कि अपन घर जाए पर जो कि झारखंड में झारखंड राज्य में ओकर मन के घर है हजारीबाग इसने दो तीन जिला से वहां से ओमन बिलोंग करते ओमन निकलत रही से जिला भाटापारा में रोके गए रही से लेकिन आज तक 20 दिन हो गए हवे ओमन राहत शिविर में है ओकर मन साथ कुछ बच्चा मन तको है 28 जन लगभग मजदूर वहां हवे व्यवस्था तो ठीक है खाना पीना सब व्यवस्था होते है लेकिन ओकर मन के अब जब जैसे बहुत समय बीता थे 20 दिन ले हो गए तो ओकर मन में एक बात आवा थे कि हमला अपन परिवार का ना मिला दे झारखंड सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ले निवेदन करत है कि हमला कैसे भी तरीका से अपन घर पहुंचा दी जाए जबकि ओकर मन के 2 से 3 बार जो है टेस्ट रही से ओकरो करवा दिए गए है और ओहू में ओमन नॉर्मल पाए गए है कोई भी पॉजिटिव नहीं पाए गए है देखर कारण ओकर मन के एक मन हुआ थे कि हम अपन परिवार का ना मिलन ये मांग ओमन रखा थे। दूसरा बात आगे खबर बढ़न तो एमा जेन भाटापारा क्षेत्र के विधायक है भाजपा के विधायक है दबंग विधायक जेन देवरतन शर्मा जी है आज ओमन एक आरोप लगाई शासन प्रशासन ऊपर कि जेन अभी जो संस्था मन अच्छा काम करत है जो परोपकार के काम करत है वो संस्था मन ला रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है और दूसर चीज जेन जहां तक राहत पहुंचना चाहिए वो राहत पहुंचत नहीं पावत है। दूसरा जेन जो राहत सामग्री बांटे जाते जेन बैग में थैला में बांटे जाते उमा अपन पार्टी के अपन नेता मन के चेहरा लगाना ओला कहते कि ये गलत है और दूसरा जेन राशन सामग्री देवत समय जेन फोटो खींचे जाते ये लगभग गरीब मन के मजाक उड़ाए के आरोप लगाए है शासन ऊपर। तीसरा हमन बात करन तो जेन ऑल इंडिया जिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है भाटापारा में राजा तिवारी जी ओमन एक आरोप लगाया शासन प्रशासन अभी अपन हाथ में ले ले राशन वितरण करे पर शासन के आदमी मन साथ में रखा था और हमारा बलौदा बाजार जिला जेन है बलौदा बाजार भाटापारा एमा एक अच्छा रथ करके शासन चलावत है जेमा सबला कहे जाते कि आप सहयोग करो राशन पानी के सहयोग करो जो भी सहयोग हो सकते हो बिल्कुल करो लेकिन एमा ये तो सही है कि लाभ तो मिल ही एमा और पूरा रात में सब लाभ मिले लेकिन सबसे बड़े परेशानी ये आवत है कि जब सेकंड लॉकडाउन दूसरा चरण इस लॉकडाउन में दूसरा चरण जी चालू करेंगे है और सबसे बड़े बात ये है कि जो मांगा तो है कि राशन सामग्री अन्नपूर्ण रात में दान करे जाए शासन ला दान करे जाए लेकिन जैसे जरूरतमंद तक पहुंचाना है वो मतलब पहुंचाना है ऊपर पर कोई जरूरतमंद कैसे संपर्क करें जी। कोमल शर्मा जी मैं आपन ला बताना चाहिए कि जैसे अभी हम प्रकाश जी से बात करते रहें बिलासपुर के जानकारी जानते रहें तो प्रकाश जी हम बताएं कि बिलासपुर प्रशासन का कुछ जो समाज सेवी संस्था है वो मन ला पास बना के देते ताकि वो मन जा करके पुलिस प्रशासन के मदद कर सके और वो सामग्री के वितरण करे ताकि वो जरूरतमंद लोगन तक पहुँच सके काहे हर चीज प्रशासन कर पाए ये संभव नहीं है। तो भाटापारा में भी यदि कोई ऐसे समाज सेवी संस्था है बलौदा बाजार जिला में समाज सेवी संस्था है वो मन आगू बढ़ के या शासन प्रशासन के मदद कर सकते हैं। शर्मा जी एक सवाल बोल आपसे ये रही कि अभी द्वितीय चरण चलत है लॉकडाउन के और 3 मई तक ये जारी रहने वाला है अभी भी हमला जानकारी है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा के कुछ पेपर बचे हुए हैं तो एला लेकर के का कुछ निर्णय सरकार की तरफ से आवत है कि एक परीक्षा लेहे जाही या कब लेहे जाही या कौन प्रकार के अभी तक एक पेपर के जांच भी चालू नहीं हुआ है तो कैसे जांच एक चालू हुई। जैसे सर छत्तीसगढ़ माध्यमिक बोर्ड के जैसे पेपर होना है तो पेपर तो हो के हवा लेकिन अभी किसी प्रकार के कोनो डेट या कोनो समय तय नहीं करेंगे लेकिन एक बात है कि जिन पढ़ाई के है जिन पढ़ाई अभी लॉकडाउन में जो एला कवर करे बर राज्य सरकार के तरफ ले अभी एक ऐप लॉन्च करे जेमा स्कूल मन के पढ़ाई है ओमा होत है ऑनलाइन आके जिन सर है मैडम है तेमन लड़का मन पढ़ावत है और ये सवाल ये रही ये तो पढ़ाई की बात हो गई जो बोर्ड परीक्षा अभी कुछ लड़का मन के मोर ख्याल से 12वीं के कुछ 1 या 2 पेपर बचे हुए हैं ओकर परीक्षा लेहे बर का प्रशासन का जिम्मेदारी उठा
अभी सर अगर प्रशासनिक तौर में डेट और समय के बात करूं तो डेट और समय अभी नहीं बताएगी सर, अभी क्लियर हो बात जी। और संगे संग हमन देखन के बोर्ड परीक्षा के जो किताब के जांच जो हुआ है तो ओकर लिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था के साथ होते हैं, लेकिन एक बार अभी तक काफी के जांच चालू नहीं हुए हैं तथा लेकिन उनके रिजल्ट है सही समय में आ पाए। सर सबसे पहली बात तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो किताब के जो चाक चौबंद करे जाते जो उनका तैयारी करे जाते ओमा अभी किसी प्रकार के अपन से बोलना आशंका करना ही गलत हुई, काबर की लॉकडाउन लगभग लगभग पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रभाव डाले हवा इला कवर कैसे करे जाए और कैसे किताब मन के व्यवस्था करे जाए ये सब चीजें आगे देखना पड़ी है, एक बार एक खासा नया रणनीति बना के चलना रही है। और दूसरा का है अभी ये महीना में नया शिक्षा नीति लागू होने वाला है जेन हाँ अभी स्थिर तरीका से रखा है। जी कोमल शर्मा जी तमाम जानकारी का अपन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं सीधा तिलदा जी हाले केशव पाल जी हमारे संग जुड़े हुए हैं। केशव पाल जी आप उनसे जानना चाहो कि तिलदा के आज दिन भर के का खबर रही का हुई आज दिन भर। जी सर आप मतलब बता दूं कि हमारे जो तिलदा क्षेत्र है वहाँ अपन कहना चाहिए कि शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक इंतजाम हवा। अगर हम बात करें शहर के तो शहर में भी जगह जगह पुलिस बल तैनात है और अनावश्यक रूप से जिन घर से निकले थे वो मतलब कड़ाई से ओकर मन से पूछताछ करे जाते कि कहाँ जाता हो कैसे जाता हो और कहना चाहिए वो मतलब समझाइश भी दे जाते कि अनावश्यक रूप से घर मत निकला वैसा करके। लेकिन एमा एक चीज देखने मिले थे कि कई जन ऐसे भी लोगन है जिन मन अब बहाना मारा थे कई प्रकार के बातचीत गोलमोल जवाब जैसे कि आप बोला जाना कहीं दूसर है लेकिन बतावा था कि हम हॉस्पिटल जाता या ऐसे टाइप में कई जन गोलमोल जवाब देवा थे जिन कहने से एक प्रकार से लॉकडाउन के उल्लंघन भी है तो मतलब खास करके समझाइश भी दे जाते और जगह जगह मतलब कहना चाहिए मुर्गा बना के भी एक प्रकार से कहना चाहिए सजग तौर पर दिए जाते। और अगर हम बात करबो सर ग्रामीण क्षेत्र के तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जिन अंचल है वहाँ तो पूरी बात है कि कहना चाहिए कि गांव तरफ से भी जिन अपन सरपंच तो गांव गांव घूम के मतलब लोगन मतलब समझाई दिए जाते साथ ही साथ जिन पुलिस से क्षेत्रीय स्थानीय के थाना के ओमन भी बीच बीच में आके पेट्रोलिंग करत रहे थे और लोगन मतलब समझाई थे। कहना चाहिए कि गांव भी जागरूक है माँ अपन जिन मेन मेन सियान है प्रतिनिधि ओमन सुबह शाम भी लोगन मतलब समझाई देवत रहे थे। जी सर इकर अलावा आज दिन भर अवका का घटना दुर्घटना या कोई प्रकार के ऐसे बात तो वहां तिलदा में नहीं हो है जिला बताना आवश्यक है। नहीं सर हाँ सर अभी तो ऐसे कोई कहना चाहिए अन्य घटना के अभी सूचना नहीं आए या फिलहाल अभी नहीं सर कोई घटना नहीं हुई अभी। केशवपाल जी आप मन के ये तमाम जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा चलते हैं कवर्धा जी हाले तिलेश सेन जी हमारे संग जुड़े हुए हैं। तिलेश सेन जी आप मन के ले जानना चाहबो कि आज दिन भर के का खबर रही। वैसे कोरोना महामारी संक्रमण काल में कोरोना के रोकथाम पर वैसे तो हमारे जो कवर्धा जिला है वो ग्रीन जोन है यहाँ कोनो प्रकार से अभी तक कोरोना संक्रमण से संक्रमित व्यक्ति के बारे में कोनो जानकारी नहीं मिली है। और जिन प्रशासन है पूरी तरीके से एक्शन प्लान में मुस्तैद है और जितना भी बाहर से जैसे कि जिन हमारे कबीरधाम जिला है वो मध्य प्रदेश से लगे हुए जिला है तो जिन मध्य प्रदेश से कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति है वह मतलब बिल्कुल ही जिन चिल्की बॉर्डर है वहां पे रोक के मतलब स्वास्थ्य के जाँच करे जाते और उखर लिए राहत कैंप के भी स्थापना वहां करे गए है। जो कुछ मेडिकल स्टूडेंट जिन कोटा से या फिर बाहर से जिन भी कोई आए हुए है मतलब सब लोग वहां राहत कैंप में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करके रखे गए है। अच्छा ताकि मतलब यदि कोई संक्रमण की स्थिति है तो वो समाज तक में पहुंचे जिला के कोई भी व्यक्ति संक्रमण न हो करके बचाव की तैयारी करे गए। बहुत बढ़िया काम प्रशासन द्वारा करे जावा थे। और जैसे कि आज दिन भर के खबर हम आप मन बताए दिन भर के खबर से आप मन रूबरू कराए छत्तीसगढ़ के सब जिला के बारे में आप मन जानकारी दें और हर रोज जबर खबर में आप मन ये प्रकार के जानकारी दे जाही
रोज अपन ये समय जबर खबर मा हमर जो डिजिटल रिपोर्टर मन है ओमन के द्वारा दिन भर के खबर ला जान सकत हो, तो एकर लिए आप मन देखत रहो हमर चैनल न्यूज 36 छत्तीसगढ़ की आवाज। अब मेरा होगा है विदा लेके, तो मोला देवो विदा, जय जवान।